बैठे थे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अफसर बैठे थे, तहसीलदार बैठे थे, एडीसी बिलावर बैठे थे, पंच सरपंच, लेकिन हर बंदे वीडियो बनाई जाते, लेकिन डिंपल वर्मा उपर जेकी पाबंदी कि वो वीडियो नहीं बना। जेके पहले डीसी साहब है ना, उनकी ट्रांसफर हो गई है, उनकी जगह उपर नवे डीसी साहब आ दे, अस उनका मोस्ट वेलकम करने हैं। वीडियो माध्यम कन्नै तुसें जरूर दिक्खी लेना कि असें उत्थें भी अंदर जाने आस्तै रोक कीता गया कि तुस जेकी इस अंदर जेकी ओह मीटिंग चला दी है, इस मीटिंग की कवरेज नहीं करी सकदे। हाँ जी, कहते आए गल सुनी थोड़ी ऋषि साहब ने सुनी गल थोड़ी, जेड़ा सरपंच किस ग्रां दा किस मुद्दे पर गल करी जा दा, आप अच्छे काम करो, मैंने खोलन आप अच्छे काम करो यार, मैंने मैं सुना था कि डिमल वर्मा कौन है, बोलिए कैसी कवरेज करते हैं हम, यू आर वेरी वाइज, योर रिपोर्टिंग टोटली beneficial and you go for your personal interest. नहीं मेरी गल सुनो, गल सुनो सर, सर 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 ब्लैकमेलर, यू आर नॉट अ, यू आर नॉट अ रिपोर्टर, यू आर ब्लैकमेलर। ਤਕੀ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੈਂਡ ਪੰਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪੀਂਦੇ, ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰਿਆਂ ਦੇ। नहीं, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते तो डोंट डू इट, क्यों डोंट बी अ वाइस रिपोर्टर, अगर आपके हक की, आपके हक हक की रिपोर्टिंग, आपके हक की रिपोर्टिंग करता तो मैं सही था, मेरे हक आज तक मैंने कब से हूं, मैंने आज तक आपके मीडिया के कभी सहारा नहीं लिया, आपके हक की रिपोर्टिंग, आपके हक की रिपोर्टिंग करता तो मैं सही था, आई डोंट, आपके हक की, आपके हक, क्यों सही बात है ना, क्योंकि डिंपल वर्मा के सवाल आम बंदा नहीं दे सकता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर जो अपनी राजनीति चिपकाना चाहते ना, तो अपना बोर बैंक बनाने से सिर्फ वो बोलते जो भी कार्रवाई की असें, हालांकि जनता ने सब कुछ दिखता, बिलावर की जनता के सवाल, बिलावर के बड़ी ज्यादा पंचायत, हर एक पंचायत का सरपंच, पंच, डीडीसी, बीडीसी, जेके अज साढ़े नवे डीसी साहब आए उन्हें जेका एक ब्लॉक दिवस रखता, उस उपर जेके अस भी जेके पब्लिसिटी करने जेके सरपंच जेके मुद्दे अपने ग्रां रखते, डीडीसी रखते, बीडीसी रखते, तो अस भी उसी चीज़ की पब्लिसिटी करें, लेकिन मीडिया की क्यों रोक लाई दी गई, क्या साड़ा भी दायित्व बनता और इनका भी फर्ज बनता कि क्या इतों के पंच सरपंच डीडीसी अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक गल रखे दिन तो एडमिनिस्ट्रेशन ने किन्ने देर दे विच किन्ना जल्दी जो उस उपर एक्शन लिया जा, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करगा डीसी साहब अगड़ू अगे कि पब्लिक दिखना चाहती है कि किहड़े ग्रां दा सरपंच ने, किहड़े ग्रां दा पंच ने, और किहड़े ग्रां दा डीडीसी ने, बीडीसी ने, ब्लॉक दा जेका किस मसले उपर और केह मुद्दा जेका रखिया, कि डिंपल वर्मा जेके पिछले कुछ दिन जेके मसले हर ग्रां दे हर विलेज दे हाईलाइट करा दा सोशल मीडिया माध्यम कन्नै, जनता भी दिखी जा दी, एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखी जा दी, पोलिटिकल लीडर भी दिखी जा दे, और जनता यह भी दिखना चाहती है कि डीसी साहब बिलावर आए न और उंदे अग्गे किस सरपंच ने, किस डीडीसी ने, किस बीडीसी ने जेको जेके अपने ग्रां दे जेके मसले रखे न, उस चीज़ उपर प्रतिबंध लाइता, एक प्रश्न चिन्ह लाइता, असी चीज़ उस पब्लिसिटी नहीं करने पई, लेकिन मैं फिर भी इतने डीसी साहब कठुआ अगर रिक्वेस्ट करगा असं ज्यादा नहीं 10 या 15 मिनट का मौका दें ताकि अस भी दिखने जाने, अस नहीं दिखने जाते, बिलावर की जनता दिखना चाहती है कि क्या बिलावर के जेड़े सरपंच पंच अज मीटिंग च आ रहे, जेड़े आफिसर आ रहे, उस मीटिंग किस किस मसले पर गल की है डीसी साहब ने, और डीसी साहब का क्या विचार अगे, जनता अगर रिक्वेस्ट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें। सर नहीं, मैं तो कवरेज कर रहा हूँ सर, पूरी कवरेज कर रहा हूँ, किस तरह से पब्लिक ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू। पानी नहीं है, पीने पानी नहीं मिलता है, कहीं भी बच्चे कुछ भी काम करो तो पानी, पानी पानी होगा तो सब काम होगा, पानी नहीं है, मैंने सुन ली थी बात, मैं समझ गया था बात, आपने भी बताया कि मैंने उसने जो एक्सीएल है उनको बताया है वो मौके पे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि पूरी हो गई है योजना, सर जनता के सवाल है, सर सवाल है बिना कैमरे, सर एक मिनट भैया, एक सर मिनट प्लीज सर, एक्चुअली मैं भी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मेरे कोई पर्सनल फैमिली नहीं है, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है ना कि बिलावर की जनता सर आज भी सर बिना पानी के, बिना
रोड के और बिना बिजली के है। तो सर हम आपकी आपकी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक जो सीनियर अधिकारी हैं सर उनके पास पहुँचा देगा। इस दो मिनट टाइम दीजिए सर, आप सिर्फ दो मिनट। डिस्ट्रिक्ट कठुआ दी एडमिनिस्ट्रेशन ये तुम दिखी आने क्योंकि शिफ्ट टाइम की टीम के जो सवाल है ना वो भी जी छुपते नजर आवा दे तुम ये दिखी आने उस वीडियो के माध्यम करना दिखी आने। डिस्ट्रिक्ट कठुआ साहब जी आए इस वे बिलावर में जिसका ब्लॉक दिवस है जो डिस्ट्रिक डीसी साहब कठुआ दे बी डी सी चेयरमैन डी डी सी लेकिन जनता के सवाल अस इन तक लेकिन आते लेकिन असं जो टाइम जहाँ डीसी साहब ने जो पब्लिसिटी करने जो मना करीता क्योंकि अस सच्चाइया दसने इतों की एडमिनिस्ट्रेशन की इतों के पोलिटिकल लीडर ही अस सच्चाइया बहर दसने लेकिन जी सच्चाई जी बहर दसने भी डीसी साहब भी शायद लोकल जनता से जनता जी आती तुम किसी आते हम इतने सुनाए मिकी हाँ जी कहते आए गल सुनी थोड़ी डीसी साहब ने सुनी गल थोड़ी नहीं सुनी है ये तुम दिखी आने इतों की जी जनता बोलती है कि डीसी साहब ने जी सारी सुनवाई भी की नहीं भी सुनवाई की क्योंकि जिस वेला भी कोई भी बड़ा ब्लॉक दिवस होंगे ना तो उस पंच सरपंच डी डी सी बी डी सी हर एक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर होंगे लेकिन आम जनता जी नहीं होंगी है। क्या कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर जां सरपंच पंच या डी डी सी क्या इतों की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सही इनफॉरमेशन देंगे या गलत इनफॉरमेशन देंगे क्योंकि जनता के सवाल ना कि डिंपल वर्मा के सवाल। पर डी सी साहब उन्हें कहना कोशिश की गल करने की पहले भी वीडियो के माध्यम कने तुमने देखा कि शिव टाइम की टीम की इस बिल्डिंग के अंदर एंट्री होने वास्ते भी परमिशन लेने पौंदी ही हालांकि वीडियो के माध्यम कने तुम सारे दिखी लेना लेकिन जिस टाइम उपर असें इस जगह की कवरेज करने की कोशिश की डीसी साहब उन्हें कन्ने असें जिस वे गल करने की कोशिश की उन्हें बोला कि आन कैमरा अस गल नहीं कर सकते बिना कैमरे अस गल कर सकते क्यों डिंपल वर्मा की कोई पर्सनल फैमिली नहीं है जो पर्सनल नहीं है डिंपल वर्मा की जनता के सवाल जेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पुछने या फिर जेके भी पोलिटिकल लीडर न जो इतों के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर जो कहते काले चिट्ठे दिखने के तहसील हैडक्वार्टर बिलावर जी बाथरूम नहीं है फिंटर लेइए बाथरूम नहीं है आवास प्लस पी एम ए स्कीम जो गरीब लोगों से जो सही इनफॉरमेशन अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पुजे तो इस पर जनता जनार्दन का रिक्वेस्ट है कि अपनी रेकमेंड्स बॉक्स में जरूर दे दें। छोड़ो सर चार साल से ट्यूबवेल बना है चार साल से लोगों को इतना भरोसा हो चुका ना डिंपल वर्मा के ऊपर लोगों को भरोसा हो चुका लेकिन आपको नहीं भरोसा है। मीडिया को अपनी विश्वसनीयता बनानी चाहिए बड़ा बनाई हुई है निष्पक्ष काम करना चाहिए तो हमने किसका आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए पूछो एक मिनट मान जी रुकना डिंपल वर्मा ने सपोर्ट की थोड़ी कितनी बार आया सच आयो आप हमें सिखाओगे ना थोड़ी सी एथिक्स सर आप हमें सिखाओगे ना कैसे कवरेज करनी है बिल्कुल सिखाएंगे सर चार साल से आप कहाँ थे सर सर 25 साल से यहीं पे हूँ भाई तो नहीं वो तो मुझे पता है आई एम इन सोशल लाइफ फॉर 25 इयर्स सर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन दिस सर मेरी बात सुनिए तीन साल चार साल से जो ट्यूबवेल बना हुआ है तब आपने क्यों नहीं बात हाईलाइट की तब आपने बात क्यों हाईलाइट नहीं की लेकिन डिंपल वर्मा दो महीने से हाईलाइट कर रहा है डिंपल वर्मा की दोनों इधर की एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिजल्ट हैडपंप लग गया सर हैडपंप लग गया पानी पीने के लिए कहाँ पे करवाया आपने सर कहाँ पे करवाया आपने डिंपल वर्मा ने तीन बार सर आप दिखाइए ना सर आप दिखाइए सर आप दिखाइए कहाँ पे दिखाइए कहाँ पे दिखाइए दिखाइए सर दिखाइए सर सर लड़ रहे आपको दिखाता हूँ मैं कोई भी कहाँ दिखाइए आपको दिखा रहा हूँ ना देखिए ये अपना मीडिया ऑन कीजिए मैं कोई भी काम विदाउट आप पहले देखिए ना पहले या तो आप बोल लीजिए या मेरे को कंप्लीट करने दीजिए आपने देख लिया ना दिखाओ दिखाओ डबल साइड क्यों चलाते हैं यार दिखाइए आप ये देखिए हाँ आइए
रिकॉर्डिंग आपको पता है काम करो, मैंने बोला ना आप अच्छे काम करो यार, मैंने सुना था कि डिमल वर्मा कौन है, हमने भी उन्होंने भी काम किया, आपने भी किया, उन्होंने भी किया, मैंने भी किया, जब से 31 मार्च से मैं रिटायर होकर आया हूँ मैंने एक दिन घर नहीं बैठा, और जो अच्छे बंदे हैं उनको मैं ढूंढता हूँ, उनको साथ में लेता हूँ। तो आप कौन से डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हो गए? सीईओ मतलब सीनियर केएस सब से रिटायर हुआ हूं। केएस सब सर मुझे सच बताना, धर्मकोट की या कहीं भी गांव की मैं कवरेज करता हूं, डिंपल वर्मा का उसमें पर्सनल बेनिफिट है या कैसा काम कर रहा हूं? नहीं नहीं यार, क्या काम कैसा कर रहा हूं? मैंने बहुत अच्छा आपका लगा, मुझे अच्छा लगा यही। अगर सर ऐसे ऐसे व्यक्ति अगर नहीं सर, सर मेरी बात सुनिए, ये जो बंदे मुझे बोल रहे हैं अभी कि डिंपल वर्मा तू गलत कर रहा है, पब्लिक को गलत कर रहा है, सर 4 साल हो गए सर वहाँ पे ट्यूबवेल बने हुए, 4 साल से कहाँ पे थे, सोए हुए थे क्या? इन्होंने भी डिंपल वर्मा ने सर सुनिए, डिंपल वर्मा ने 2 महीने से कवरेज की उसकी ट्यूबवेल की, जहाँ तक उन्होंने बीच तक भी गया, अंदर तक घुसा, फिर उसके बाद हेड पंप की जो कवरेज की मैंने 3-4 दिन में। मेरी भी समझ आई ना आपको, मैं जब से ये लड़का मेरे कॉन्टेक्ट में आया हुआ है संजीव जी, इसने भी बड़ा अच्छा काम किया, हमने 2-4 बार डेपुटेशन लेके गए, आपका हमें पता नहीं था, आपका मीडिया में सर कैसे पता नहीं था, डिंपल वर्मा को पूरा बिलावर जानता है, मैं देखा हाँ। लेकिन इसने राइटिंग में, मैंने इनको राइटिंग साथ के लिए सेट किया, ये हमारे साथ सब धर्म कोड के लोग हैं, लोगों के वेलफेयर के काम कर रही है, ये लड़का है, हमने सबके मिलके चलना है और जो फैक्ट्स हैं उनको दिखाना है, जो गलत चीज है वाकया ही मतलब इनका 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 बोलने का पता क्या था? सुनिए सर, सर इनका बोलने का ये सवाल था कि इन्होंने मेरी बात सुनी सर, तो अगर मीडिया वाला सही काम करे ना तो उसको कोई डर नहीं है, सवाल इनके होते, अगर मैं बोलता ना इनको तो भी इनको अच्छा लगता था, सवाल 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 सर जनता के है, जनता के सवाल मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक रख रहा हूँ, इनके खिलाफ इनके फेवर में नहीं है ना, तो इनको तकलीफ तो हो रही है, इंडिपेंडेंट है आप कुछ भी, हम चाहते हैं कि आप आज इन्होंने डिंपल वर्मा को रोका, अगर डीसी साहब की मीटिंग थी तब ये अंदर थे बैठे सबके सब, सब ने देखा वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं कि डिंपल वर्मा को रोका जा रहा है डीसी साहब से बात करने के लिए, क्यों ऐसी कौन सी सीक्रेट मीटिंग थी, तब ये लीडर कहाँ थे? बोलिए जी, बोलिए कैसी कवरेज करते हैं हम? यू आर वेरी वाइज्ड, योर रिपोर्टिंग टोटली बेनिफिशियल एंड यू गो फॉर योर पर्सनल नहीं नहीं मेरी गल सुनो, गल सुनो सर, सर 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 ब्लैकमेलर, यू आर नॉट अ सर, गल सुनो, गल गल यू आर ब्लैकमेलर, गल सुनो गल सुनो, आपको डोगरी 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 बोलो, सारे डोगरी सुनते बिल्कुल बोला करना, पीछे क्या बोला? डोगरी 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 बोलो, आप मेरे को ये बताइए पहले, नहीं डोगरी बोलो, मैं ऑन रखा कैमरा आपने, और आज आप मेरे को बताइए, ये मेरी माताएं बहनें हैं, तब से इनको पानी की प्रॉब्लम है, आप ये कह रहे हो कि आपने हाईलाइट किया, आपने सभी कर रहे हैं, एक कंट्रोवर्सी से सब डिमोरलाइज होते हैं कि यार ये क्या चक्कर है, आप भी सोशल वर्कर हो, ये भी सोशल वर्कर, सभी लोग काम कर रहे हैं, आप भी अच्छे काम, भाई मेरी मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है नहीं, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते तो डोंट डू इट, क्यों डोंट बी अ वॉइस रिपोर्टर, अगर आपके कितने आपके हक की रिपोर्टिंग, आपके हक की रिपोर्टिंग करता तो मैं सही था, मेरे हक आज तक मैंने कब से हूं, मैंने आज तक आपके मीडिया के कभी सहारा नहीं लिया, आपके हक की रिपोर्टिंग, आपके हक की रिपोर्टिंग करता तो मैं सही था, आपके हक की, आपके क्यों सही बात है ना, क्योंकि डिंपल वर्मा के सवाल आम बंदा नहीं दे सकता है, डिंपल वर्मा के सवाल आप नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते ना आप, क्योंकि आप लोगों को राजनीति खेलनी है, मुझे राजनीति नहीं खेलनी है। शिव टाइम से सारे दर्शक, मेरा राम राम, मैं डिंपल वर्मा, ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि सारे पता कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ दे जेके पहले डीसी साहब है ना, उनकी ट्रांसफर हो गई है, उनकी जगह उपर नवे डीसी साहब आ दे, अस उनका मोस्ट वेलकम करने हैं, लेकिन जिया भी हर महीने का एक या दो बार जो ब्लाक दिवस होंगे नी, उस ब्लाक दिवस के हर एक पंचायत के सरपंच, पंच, डी डी सी, बी डी सी, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक ऑफिसर जो मौजूद होंगे, अस भी कवरेज करने गए, डिंपल वर्मा दैनिक शिव टाइम का पत्रकार इतों 25 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर जी कवरेज करने बिलावर च गया कि क्या जेडे डी सी साहब नवे आए न उनके तक इनफॉरमेशन क्या उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर देंगे न जा पॉलिटिकल लीडर दें या नहीं दें, असें सिर्फ पब्लिसिटी करनी ही उस मीटिंग दे बेच के हुआ दा सरपंच किस ग्रां दा किस मुद्दे पर गल करी जाता, केड़ा डी डी सी, केड़ा बी डी सी, केड़ा ब्लॉक दी क्यों गल करी जाता, साढ़े डी सी साहब कठुआ अग्गे, असें सिर्फ उ चीज़ पब्लिसिटी करनी, वीडियो माध्यम कने जरूर दिखी लेना कि असें उत्थे भी अंदर जाने वास्ते रोक किया गया कि तुस जेकी इस अंदर जेकी वो मीटिंग चला दी इस मीटिंग की कवरेज नहीं करी सकते, तो मैं तमाम मीडिया ने आगे एक रिक्वेस्ट करना जेके खरसार कर जम्मू देने जेके बैठे दे और जेके एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर बैठे, क्या ऐसी केड़ी सीक्रेट मीटिंग ही
आम जनता की गल जेकी पंच सरपंच डी डी सी बी डी सी जेकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक रखी आ दिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी टाइम कढ़िया उन्हें पंच सरपंच की गल सुनने से हालांकि आम पब्लिक भी उत्थे आ दे ही साड़ा भी फर्ज बनता अस भी कवरेज करने गए लेकिन असं उत्थे रोकया दिता गया डी सी साहब ने लोगों दी समस्या भी सुनिया एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर की भी गल सुनी पोलीटल लीडर की गल भी सुनी लेकिन जिस वेले अस पब्लिसिटी करने उत्थे गए ना तो डी 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 सी साहब ने जो साढ़े जेके सवाल देने आस्ते भी वो बचते रहे ना। क्या डिंपल वर्मा दे अपने कोई पर्सनल मसले है उस चीज़ उपर गए आखिर भी यानी कि दुखती नहीं पर हा कोई हाथ रखेगा तो दर्द तो जरूर होगा। धर्मकोट पंचायत की असें कवरेज की इतों की एडमिनिस्ट्रेशन की जगया असें इतों के पोलीटल लीडर जगया कि धर्मकोट के वाटर टैंक बन दिया चार साल हो गए उसका मसला जो डिंपल वर्मा ने हाईलाइट किया सोशल मीडिया के माध्यम कन्नै मीडिया के माध्यम कन्नै एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सुनी डी सी साहब ने भी सुनी और उत्थे कि एक हैंड पंप लाई दिता गया और हैंड पंप च पानी कौन पींदे धर्मकोट के लोग पींदे ने लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व ऐसे भी हैं कि कम है लड़दियां फौजां ते ना सरदारें दे कि डिंपल वर्मा ने कवरेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी लेकिन कुछ ऐसे पोलिटिकल लीडर जो अपनी राजनीति चिपकाने चाहते ना तो अपना वोट बैंक बनाने से सिर्फ वो बोलते जो भी कार्रवाई की असें हालांकि जनता ने सब कुछ दिखता क्योंकि डिंपल वर्मा धर्मकोट के गया एक बार नहीं चार बार गया और पेज का माध्यम कन्नै चैनल का माध्यम कन्नै पूरी धर्मकोट की जनता और बिलावर की जनता दिखा दी लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व जिस वे फैसला लेने पर बारी आती ना तो श्रेय लेने से कुछ पोलिटिकल लीडर अपना निकाओ ना चमकाने से एक अगर चली जाते जनता अगर एक रिक्वेस्ट है कि अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे दें वीडियो के माध्यम कन्नै तुसें सब कुछ दिखना कि दैनिक शिव टाइम के पत्रकार की खाली कुछ पोलिटिकल लीडर ये दसना चाहते कि यार तुम्हें पत्रकारिता करना आती है अस पत्रकारिता करते हे कि अगर सवाल उन्दे होंगे तो अस उन्हें सवालें अस रिपीट करिए अगर उन्दे अगर रखते तो उन्दा वह जवाब देते नहीं सवाल जनता के होने चाहिए अस जनता का एक मोहरा बनी है अगर जो जनता दे के सवाल जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने तो अगर जनता के सवाल अगर कुछ लीडर की अगर चुभी आते क्यों असर तो सामने दसा डिंपल वर्मा अपने चैनल के माध्यम कन्नै और जनता सब कुछ दिखा दी है बिलावर की जनता अगर रिक्वेस्ट है कि अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे दें और खास करके जो पोलिटिकल लीडर नहीं इंदे अगर भी एक रिक्वेस्ट है कि जियां भी इस वेला ब्लॉक दिवस होंगे ना तो कम से कम मीडिया की रोकी नहीं दिता जा क्योंकि मीडिया जिस वेला तुस रोकने ना तो उस विच कुदे ना कुदे जेकी वो सच्चाई जेकी वो दफन हो जाती है। हालांकि साढ़े ब्लॉक दिवस के मीटिंग बैठी डिस्ट्रिक्ट के अफसर बैठे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अफसर बैठे तहसीलदार बैठते ए डी सी बिलावर बैठते पंच सरपंच लेकिन हर बंदे वीडियो बनाई जाते लेकिन डिंपल वर्मा उपर जेकी पाबंदी कि वो वीडियो नहीं बना और न्यूज़ हाईलाइट नहीं करे क्यों ऐसी कैरी सीक्रेट मीटिंग चली जाती क्योंकि जनता की ब्लॉक दिवस है ना जनता के गै मसले हाईलाइट करने अस भी दिखना चाहते हे कि क्या केड़ा डी डी सी केड़ा बी डी सी केड़ा सरपंच पंच केड़े ग्रां की गल उपर केड़े मुद्दे उपर चलता क्योंकि डिंपल वर्मा का कोई पर्सनल बेनीफिट नहीं होता ट्यूबवैल उपर दिखो अज रोड की दिखो बिजली की दिखो पानी दिखो कुछ ना कुछ समस्या लेकिन जल्द ऑफिसर नवा आता ना जिस वेलै कुसै भी जगह उपर एग्जाम्पल के तौर पर तो उन्दे तकर की इनफॉर्मेशन स्हेई पजाना जिन्ना दायित्व अगर इतों की पोलिटिकल लीडर का ना इतों का पंच सरपंच का क्या मीडिया का कोई दायित्व नहीं है क्या मीडिया के कोई अपने सवाल होंगे पर्सनल ज जनता के सवाल होंगे न जनता अगर रिक्वेस्ट है कि भाई डिंपल वर्मा जेकी कवरेज कर देना उस वास्ते तुसें एक कमेंट्स जरूर दे देना और कुछ शरारती तत्व पोलिटिकल लीडर पता क्या बोलते कि तुसें रिपोर्टिंग करने नहीं आती है तुसें साढ़े कोला सीखो मैं अपनी माइक उन्हें दे दिना तुस कम से कम पब्लिक के मसले हाईलाइट करो अगर चार साल का एक वाटर टैंक धर्मकोट पंचायत के बनता तो दो महीने डिंपल वर्मा उस चीज़ की कवरेज करी जाता एडमिनिस्ट्रेशन सुनी जा दी डी सी साहब बिलावर आई गए उस चीज़ के मसले पर गल करने उपर ते जे फिर पोलिटिकल लीडर अपनी राजनीति दी रोटियां सेकने वास्ते अगर फिर जनता ही अगर गुमराह करन तो फिर जनता का उसका जवाब दे दे क्योंकि डिंपल वर्मा चार बारी कवरेज करने जरूर धर्मकोट पंचायत में गया और अगे भी जाना लेकिन डिंपल वर्मा के सवाल नहीं होंगे सवाल जनता के होंगे न लेकिन सवाल जनता के अस खुद दिखने कि जनता की कितनी दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ता जेड़े पॉलिटिकल लीडर अज बोली जाते हैं कि अस त्रीह साल दी थरा बने त्रीह साल दे रवाने चार साल वाटर टैंक होइए बनता चार साल के कुछ है डिंपल वर्मा जदों दो महीने या त्रै महीने या एक साल की कवरेज करी जाता उन्होंने पहले इतना पॉलिटिकल लीडर भी है ना एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर भी उन्हें क्यों इस चीज़ की गौर नहीं किया चार साल अगर ट्यूबवैल बनता होइए
फिर आए उस उपर पाइप नहीं पहुंचे डिंपल वर्मा उसकी कवरेज करी ओड़ा उत्थों के राजनीति लीडर ने जेके इको गल बोलते कि तुसी पत्रकारिता नहीं आती है तो उस पत्रकार कारता जी पहले सीखी लियो। मैं जनता अगर रिक्वेस्ट करना कि क्या मेरी पत्रकारिता वो अच्छी है या नहीं अपनी कमेंट्स लिखाओ कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे देना अपनी राय। तो मैं जनता अगर बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद।